हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी मिलकर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल अर्थात बीजांड या अंडक की रचना के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बीजांड की रचना में सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि बीजांड होता क्या है। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि बीजांड अर्थात ओव्यूल फूल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो मादा जनन अंग का काम करता है। फूल के मादा जनन चक्र को गाइनोसियम कहते हैं। स्टूडेंट्स, गाइनोसियम फूल का मादा जनन चक्र है जिसकी इकाई कार्पेल या पिस्टिल कहलाती है। पिछले क्लास में आप लोगों को फूल के मादा जनन चक्र गाइनोसियम की रचना, गाइनोसियम की इकाई किन किन भागों से मिलकर गाइनोसियम बना है, इसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने जानकारी हासिल कर लिया है। इस सेक्शन में, आज के इस वीडियो के खंड में, हम लोग उसी गाइनोसियम के क्लास को आगे बढ़ाते हुए यह जानकारी हासिल करेंगे कि गाइनोसियम के तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे ओव्यूल कहा जाता है। ओव्यूल अंडक, बीजांड या अंडज के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग बीजांड की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए, गया है, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि ओव्यूल गोलाकार या अंडाकार रचना होता है। यह बाहर के दो लेयर से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। ये बाहर का जो लेयर है, बाहर का जो आवरण है, इसे हम लोग इंटीगुमेंट्स कहते हैं। इंटीगुमेंट्स को हिंदी में अध्यावरण कहा जाता है। इंटीगुमेंट्स अध्यावरण आगे जाकर एक फ्यूनिकल नामक बीजांड वृंत का निर्माण करता है। यह बीजांड वृंत प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ रहता है जिसके माध्यम से ओव्यूल को फूल के ऊपर स्थापित होने का आधार मिलता है। पुष्प में ये फ्यूनिकल कहीं रैफी का निर्माण करता है जो एक प्रकार का ब्रिज होता है। इंटीगुमेंट्स के अंदर आपको सात कोश की रचना दिखलाई गई है। ये जो सात कोश की रचना आप देख रहे हैं, यह एम्ब्रियो सैक के नाम से जाना जाता है। एम्ब्रियो सैक अर्थात भ्रूण कोश। एम्ब्रियो सैक में एक साइड यानी उत्तर पोल की ओर आपको एंटीपोडल सेल और दक्षिण ध्रुव की ओर, साउथ पोल की ओर, सिनर्जिड और एक सेल को मेंशन किया गया है। बीच में आपको दो न्यूक्लियस दिखलाई दे रहे हैं। यह पोलर न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, जो आपको इसके बारे में विस्तार के साथ हम एम्ब्रियो सैक के सेक्शन में, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, उसमें हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। इंटीगुमेंट्स
चारों तरफ से नहीं घिरा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं जिधर ये फ्यूनिकल आपको दिखलाई दे रहा है उस ओर एक छोटा सा स्पेस को यह खाली छोड़ देता है, जिसे माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं। यह जो डायग्राम बनाया गया है ओभ्यूल का, यह ओभ्यूल का एनाट्रोपस पोजीशन है। ओभ्यूल के छह प्रकार होते हैं, उनका डायग्राम कैसा होता है वो हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो के द्वारा जो डायग्राम आप लोगों को बोर्ड पर मेंशन किया गया है, यह ओभ्यूल का एनाट्रोपस पोजीशन अर्थात प्रतीप बीजांड का रूप है। अब हम लोग इसके बारे में अपने अपने कॉपी में लिखने का काम करेंगे, तो आप लोग कॉपी निकालें और लिखें। स्टूडेंट्स, आप लोग अपने कॉपी में मेंशन करेंगे, सर्वप्रथम ओभ्यूल की परिभाषा, तीर का निशान। ओभ्यूल OVULE ओभ्यूल, अध्यावरण ओभ्यूल, अध्यावरण ब्रैकेट शुरू INTEGUMENT इंटीगुमेंट्स ब्रैकेट बंद से ढका हुआ अस्फोटी ब्रैकेट शुरू INDEHISCENT ब्रैकेट बंद महा या गुरु बीजाणुधानी, महा या गुरु बीजाणुधानी ब्रैकेट शुरू मेगा स्पोरोफिल MEGASTORANGIUM मेगा स्पोरोंजियम। ओभ्यूल को मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, लेकिन यह सर्वप्रथम मेगा स्पोरोंजियम के रूप में जाना जाता है। यह निषेचन के बाद, अगला स्टार में, यह निषेचन के बाद बीज का निर्माण करता है, अर्थात बीज ओभ्यूल का ही रूपांतरण है। दूसरा स्टार आप लोग देंगे, लिखिएगा। एंजियोस्पर्मिक प्लांट ANGIOSPERMIC एंजियोस्पर्मिक प्लांट PLANT प्लांट में बीजांड सवृंत अंडाकार और सफेद रचना है। तीसरा स्टार, अंडाशय के अंदर बीजांड, अंडाशय के अंदर बीजांड पैरेनकाइमेटस PARENCHYMATOUS PARENCHYMATOUS पैरेनकाइमेटस सेल्स ब्रैकेट शुरू मृदुतक कोशिकाओं ब्रैकेट बंद से बना बीजांड आसन अर्थात अपरा ब्रैकेट शुरू प्लेसेंटा PLACENTA प्लेसेंटा पर मौजूद रहता है। अगला स्टार लिखिए। प्रत्येक बीजांड प्लेसेंटा से एक पतले वृंत से जुड़ा रहता है जिसे बीजांड वृंत ब्रैकेट शुरू फ्यूनिकल FUNICLE फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस FUNICULUS फ्यूनिकुलस ब्रैकेट बंद कहते हैं, और इसके संधि स्थल को
और इसके संधि स्थल को नाभिका और इसके संधि स्थल को नाभिका ब्रैकेट में हाइलम एच आई एल यू एम हाइलम कहते हैं। अगला स्टार फ्यूनिकल एफ यू एन आई सी एल फ्यूनिकल अंडब के मुख्य शरीर से जुड़कर फ्यूनिकल अंडब के मुख्य शरीर से जुड़कर रैफी आर ए पी एच ई आर ए पी एच ई रैफी ब्रैकेट में लिखेंगे रिज आर आई डी जी ई रिज बनाता है। अगला स्टार बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड का मुख्य शरीर पैरेनकाइमेटस पी ए आर ई एन पी ए आर ई एन सी एच वाई एम ए टी ओ यू एस पैरेनकाइमेटस ब्रैकेट शुरू मृदूतक मृदूतक ब्रैकेट बंद सेल्स सी ई डबल एल एस सेल्स का बना होता है जिसे बीजांड काय ब्रैकेट में न्यू सेलस एन यू सी ई डबल एल यू एस न्यू सेलस कहते हैं। कुछ पौधों में न्यू सेलस एन यू सी ई डबल एल यू एस कुछ पौधों में न्यू सेलस पतला और कुछ में मोटा होता है। अगला स्टार न्यू सेलस एक या दो बहुकोशिकीय कवच से ढका रहता है जिसे इंटीगुमेंट आई एन टी ई जी यू एम ई एन टी इंटीगुमेंट कहते हैं। एक इंटीगुमेंट वाले ओभ्यूल को यूनिटेगमिक यूएनआई टी ई जी एम आई सी यूनिटेगमिक ओभ्यूल कहते हैं जो उच्च श्रेणी के द्विबीजपत्री ब्रैकेट में डी आई सी ओ टी डाइकोट पौधों के बीजांड में देखने को मिलता है। लेकिन दो इंटीगुमेंट वाले बीजांड को बाईटेगमिक बी आई टी ई जी एम आई सी बाईटेगमिक ओभ्यूल कहते हैं जो एक बीजपत्री ब्रैकेट में मोनोकॉट एम ओ एन ओ सी ओ टी मोनोकॉट ब्रैकेट बंद एम ओ एन ओ सी ओ टी मोनोकॉट ब्रैकेट बंद तथा प्रारंभिक द्विबीजपत्री पौधों के बीजांड में देखने को मिलता है। अगला स्टार जहां से इंटीगुमेंट उत्पन्न होता है उस भाग को चैलेजा सी एच ए एल ए जेड ए चैलेजा सी एच ए एल ए जेड ए चैलेजा उस भाग को चैलेजा सी एच ए एल ए जेड ए चैलेजा ब्रैकेट में निभाग ब्रैकेट बंद कहते हैं। अगला स्टार इंटीगुमेंट के एक सिरे पर एक छिद्र होता है जिसे माइक्रोपाइल MICRO माइक्रोपाइल ब्रैकेट में बीजांड द्वार कहते हैं। ब्रैकेट शुरू अगला स्टार लिखिए इंटीगुमेंट के अंदर
विकासशील विकासशील एम्ब्रियोसैक EMBRYOSAC एम्ब्रियोसैक ब्रैकेट में भ्रूण भ्रूण कोष पाया जाता है जो इंडोथेलियम ENDO THELIUM इंडोथेलियम को पोषण देता है। अगला स्टार इंटीगुमेंट के बाहर वाला भाग NUCELUS न्यूसेलस ब्रैकेट में बीजांड काय ब्रैकेट बंद क्यूटिकल से ढका रहता है क्यूटिकल से ढका रहता है। इसकी जानकारी सर्वप्रथम फान साहब ने दिया था। अगला स्टार बीजांड द्वार ब्रैकेट में माइक्रोपाइल MICROPYLE माइक्रोपाइल की ओर मादा युग्मकोद्भिद ब्रैकेट में फीमेल FEMALE फीमेल गैमिटोफाइट GAMETOPHYTE गैमिटोफाइट ब्रैकेट बंद अर्थात भ्रूण कोष ब्रैकेट में एम्ब्रियोसैक EMBRYOSAC एम्ब्रियोसैक होता है। अगला स्टार ओभ्यूल का विकास मेरी एस्टिमेटिक प्रीमोडियल PRIMORDIAL प्रीमोडियल सेल से CELL सेल से प्लेसेंटा के ऊपर होता है जो सर्वप्रथम NUCELUS बनाता है। स्टूडेंट्स ये आपको ओव्यूल की रचना कैसे होती है डायग्राम में जिन जिन पोर्शन को हमने इंडिकेट किया है उसके बारे में हमने आपको लिखाया। अब कुछ इसके संदर्भ में ऑब्जेक्टिव है वो आप लिख ले। देखिए ऑब्जेक्टिव पहला स्टार ट्राइटेग्मिक अर्थात तीन अध्यावरण वाला बीजांड बहुत दुर्लभ है। यह एस्फोडिलस ASPHO DELUS एस्फोडिलस में मिलता है। अगला स्टार जिस बीजांड में अध्यावरण नहीं होता है उसे एटेग्मिक ओभ्यूल कहते हैं। इसका उदाहरण सैंथेलम SANTA LUM सैंथेलम ब्रैकेट में चंदन कॉमा लोरेंथस LORAN LORAN THUS
LORANTHUS लोरेंथस कॉमा ओलेक्स OLAX ओलेक्स इत्यादि है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूल के बारे में हमने जानकारी दिया, इसे आप लोग वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिएगा। धन्यवाद।